नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। लाइफ स्टाइल वास्तु सीरीज के 33 एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा मुख्य विषय है, नेम प्लेट से चमके आपकी किस्मत, किस्मत का दरवाजा खोले आपके घर की नेम प्लेट। आपने जरूर घर के बाहर नाम लिखा होगा, घर के हेड ऑफ द फैमिली का। कुछ लोग दादाजी का लिखते थे, कुछ पिताजी का लिखते हैं, कुछ अपने बच्चों का भी साथ में लिखते थे। क्या आप जानते हैं आपके घर के बाहर लगी नेम प्लेट आपके लिए कितनी जरूरी है और कितनी फायदेमंद है? दरअसल नेम प्लेट मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाने के साथ ही पॉजिटिव एनर्जी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है। घर का मेन डोर सिर्फ फैमिली के लिए ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी मुख्य बिंदु होता है। घर के बाहर लगी नेम प्लेट उसी तरह से है जिस प्रकार हमारे मस्तक पर लगा हुआ तिलक। मैंने नहीं लगाया क्योंकि स्किन की डिजीज थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया है। अगर आपके घर के बाहर नेम प्लेट नहीं है तो आप ऐसे अनजान रास्ते में हैं जहां आप कोई फैसला नहीं ले सकते। घर वाले आपस के मसले पर ही उलझे रहते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया देखने और समझने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। आज के वास्तु एपिसोड में हम जानेंगे नेम प्लेट कहां, किस कलर में और कैसे लगाई जाए, क्योंकि नेम प्लेट लगाने से आपका नाम रोशन हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा, आपकी सोसाइटी में नाम और शोहरत बढ़ती है। क्योंकि घर की खुशहाली और समृद्धि वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई है, शायद यही वजह है कि लोग अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग या इंटीरियर सजाते समय वास्तु टिप का बहुत ध्यान रखते हैं। घर के बाहर लगी नेम प्लेट एक तरह से घर के ओनर के मालिकाना हक को भी दर्शाती है और वही वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का जो हब बन जाती है कहलाती है। नेम प्लेट पर लिखा आपका नाम आपके जीवन में गुड लक और सक्सेस लेकर आता है, लेकिन याद रखिएगा गलत रंग गलत दिशा का चुनाव आपके गुड लक को कहीं बैड लक में तब्दील न कर दे। आइए जानते हैं आज के मुख्य विषय पर पहला बिंदु। प्रिय साथियों, घर के बाहर लगी नेम प्लेट का प्रभाव देखने वाले के मन मस्तिष्क पर जरूर पड़ता है। यहां आप बोल सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आपके नाम और पद की नेम प्लेट घर के बाहर लगी होती है तो घर में आने वाला इंसान एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंटर करता है। नेम प्लेट मुख्य दरवाजे के बाईं ओर रखी जानी चाहिए। नेम प्लेट को दरवाजे के ऊपरी आधे हिस्से के बराबर ऊंचाई पर लगाएं। अब जानते हैं नेम प्लेट लगाने के कुछ वास्तु टिप्स। नेम प्लेट हमेशा मुख्य दरवाजे या उसके आसपास की दीवार पर ही लगी होनी चाहिए। नेम प्लेट हिलने डुलने नहीं चाहिए, मजबूती के साथ लगी होनी चाहिए, टूटी फूटी भी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेम प्लेट पर ओनर का पूरा नाम और सरनेम होना जरूरी है। नाम और सरनेम का पहला अक्षर या लेटर बाकी अक्षरों से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। नेम प्लेट पर धूल मिट्टी याद रखे कभी ना हो। अब जानते हैं किस रंग की होनी चाहिए नेम प्लेट। हर दिशा का अपना एक रंग होता है, अगर आप गलत रंग का चुनाव करते हैं तो वह गलत रंग आपके लिए लकी नहीं होगा, जिससे उस घर में रहने वाले लोग हमेशा किसी न किसी परेशानी में उलझे रहेंगे। यही कारण है कि आप सफल या जीनियस तब कहलाते हैं जब आप एक काम कर रहे हों लेकिन आपकी नजर उस काम से जुड़ी हुई सभी बातों पर फोकस हो। आप काले रंग की नेम प्लेट नहीं लगाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर के बाहर काले रंग का एक पत्थर लेते हैं, उस पर गोल्डन या किसी और प्रकार के कलर से लगवा देते हैं, लेकिन काला रंग नहीं होना चाहिए। पत्थर हो सकता है, इसके बजाय आप गोल्डन, लाइट ऑरेंज, हल्के ब्राउन कलर, वाइट, लाइट येलो, लाइट ब्लू, लाइट पर्पल कलर की नेम प्लेट ज्यादा अच्छी रहती है। अगर आप इन वास्तु टिप को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ को जरूर बड़े बदलाव की तरफ लेके जाते हैं। प्रिय साथियों, इतना जरूर याद रखिएगा कि आप अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाते हैं अपने घर का एक नाम होना चाहिए। जैसे आपका कोई नाम है, आपके शहर का नाम है, देश का नाम है, आपके मोहल्ले का कोई नाम है, तो अरे का कोई ना कोई नाम तो होता ही है, तो अपने घर का नाम जरूर रखना चाहिए और उस घर के नाम को मेन जो नेम प्लेट है उसके सबसे ऊपर लगाना चाहिए। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, हमारे पिताजी ने हमारे घर का नाम श्री सदन रखा था, तो हमने उसे लगा रखा है, अपने घर के बाहर लिख रखा है और नेम प्लेट के ऊपर लिख रखा है। आज भी 50 साल पुरानी नेम प्लेट हमारे पुराने वाले घर पर लगी हुई है, तो इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। और व्हाइट कलर की है, उसमें ब्राउन कलर से नाम लिखा हुआ है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे जरूर करें। कई बार कुछ लोग अपनी पहचान को छुपा देते हैं कि नहीं, हमें कुछ घर के बाहर नहीं लिखना है। लिखिए,
कोशिश करें। कुछ लोग क्या करते हैं, एक गलती भी करते हैं कि घर में जो बेटियां होती हैं उनके नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ अपना नाम लिखा यानी हेड ऑफ द फैमिली पुरुष का और अपने बेटे का नाम लिख दिया। कुछ लोग इससे बेटर काम करते हैं कि अपनी पत्नी का नाम और अपने पति का नाम बाद में लिखते हैं, तो यह काम महिलाओं को सम्मान देने के बराबर है। अगर आपको लिखना है तो परिवार के सबके सदस्यों का नाम लिखें, नहीं तो घर के बड़े बुजुर्ग नाम जरूर लिखें। अगर आप इतना कर सकें और इसके साथ एक छोटा सा काम और कर सकें, वो होता है आपके कुल देवी और कुल देवता का जरूर एक चिन्ह उस नेमप्लेट पर हो जाए। आप देखिएगा पितरों का इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। साउथ वॉल पर नाम न लिखें तो सब बढ़िया है, इस पर ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही प्रिय साथियों, लाइफस्टाइल वास्तु सीरीज के 34 एपिसोड में अगली बार फिर स्वागत करूंगा, नए टॉपिक के साथ आपका मैं जरूर दीदार करूंगा। आज के लिए इतना ही, स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहकर अपने दिन को गुजारिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।